नमस्कार शिक्षार्थियों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सार लेखन के बारे में हमने अपने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी कि अच्छा सार कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से किसी सामग्री का सार लिखा जाता है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि कार्यालय में सार लेखन का कार्य कैसे होता है। तो इस कार्यक्रम के जो हमारे उद्देश्य रहेंगे उन पे बात करते हैं। हमारे उद्देश्य हैं, कार्यालय कामकाज में सार लेखन का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे, कार्यालय पत्रों, टिप्पणियों और रिपोर्टों का सार लेखन कर सकेंगे। शिक्षार्थियों, कार्यालयों में पत्रों, टिप्पणियों और रिपोर्टों का सार तैयार किया जाता है। ऐसा करने में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। पहले पत्र या टिप्पण को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि एक बार पढ़ने से बात स्पष्ट ना हो तो उसे दो बार, तीन बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि पत्र में दी गई बातें ठीक तरह से समझ में ना आए तो सार करने में गलती हो सकती है। पत्रों में सरकारी नियमों, आदेशों या पूर्व पत्रों का उल्लेख रहता है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि उनका सार बनाने से पहले उस सामग्री को ठीक से देख लिया जाए और समझ लिया जाए, तभी सार ठीक और उपयोगी बन सकता है। यह तो आप जानते ही हैं कि फाइल के दो भाग होते हैं, पत्राचार भाग और टिप्पणी भाग। पत्राचार भाग में मामले से संबंधित पत्र रखे जाते हैं और टिप्पण भाग में मामले से संबंधित टिप्पणियाँ होती हैं। ये टिप्पणियाँ ऐसे लिखी जाती हैं कि इनमें पूर्व टिप्पणियों का सार हो, जिन्हें पढ़े बिना आगे टिप्पण लिखा जा सके। यह भी आप जानते हैं कि कार्यालय का हर मामला टिप्पणियों की मदद से निपटाया जाता है, इसलिए टिप्पण लेखन में बहुत सावधानी अपेक्षित होती है। अगर टिप्पण लेखन में छोटी सी गलती हो जाए तो कार्रवाई की पूरी दिशा बदल जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट के सार लेखन पर। किसी घटना, स्थिति या अवसर विशेष के विवरण को रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट में हर बात विस्तार से लिखी जाती है, इसलिए उसका सार अलग ढंग से बनाया जाता है। आप यह तो जानते ही हैं कि हर संस्था अपने कार्य का विवरण देने के लिए साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक या छमाही या वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इनमें संस्था के उत्पादन, लागत, आय व्यय, उनकी गतिविधियों आदि के बारे में आंकड़े होते हैं और विवरण होते हैं। इन रिपोर्टों में संस्था द्वारा किए गए कार्यों के विवरण के साथ साथ उसके भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी होती है। इन नेमी रिपोर्टों के साथ विशिष्ट अवसरों की विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाती हैं, जैसे शताब्दी रिपोर्ट, रजत जयंती रिपोर्ट। इसके अलावा संस्थाओं की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए कभी कभी विशेष समितियों या आयोगों का गठन किया जाता है। ये समितियाँ या आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिनमें संस्था के कार्यों और उनकी प्रगति का विवरण रहता है, इसलिए उनका सार तैयार करना आवश्यक होता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि सार का आकार जो है वह मूल का लगभग एक तिहाई होता है, यही बात रिपोर्ट के बारे में भी लागू होती है। रिपोर्ट की विषय वस्तु और समय की अवधि लंबी होने के कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट का सार बनाने में और भी सावधानी ज़रूरी हो जाती है। रिपोर्ट में अनेक विषयों से संबंधित आंकड़े विस्तार से दिए जाते हैं। सार में उनका उल्लेख संक्षेप में होना चाहिए और रिपोर्ट के जो सार संक्षेपण में अच्छे सार के सभी गुण होने चाहिए और संक्षिप्तता तो इस सार लेखन का प्राण है। आइए अब हम एक उदाहरण के रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के स्थापना, उद्देश्य और कार्य से संबंधित अंश का सार तैयार करते हैं। रिपोर्ट का आकार चूंकि बड़ा होता है, इसलिए समय के अभाव को देखते हुए इसकी सामग्री के एक भाग का सार हम यहाँ इस कार्यक्रम में तैयार करते हैं। रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से है जिसका सार हमें तैयार करना है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए समान पारिभाषिक शब्दावली का विकास करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में
भाषा शास्त्रियों और वैज्ञानिकों की एक पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड की नियुक्ति की थी, जिसके मार्गदर्शन में 1952 से शिक्षा मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में शब्दावली निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। हिंदी अनुभाग ने 1953 में 5 विषयों की अंतिम शब्द सूचियां प्रकाशित की। काम की बढ़ती हुई मात्रा और विविधता को देखते हुए कुछ समय बाद हिंदी अनुभाग का विस्तार करके हिंदी प्रभाग की स्थापना की गई। हिंदी प्रभाग ने 1959 तक शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रमुख विषयों में उच्चतर माध्यमिक और कहीं कहीं स्नातक स्तर की शब्दावलियां तैयार कर ली। इन शब्दावलियों को अंतिम सूचियों के रूप में प्रकाशित किया गया और उन पर संबद्ध विषयों के विद्वान तथा संस्थाओं के सुझाव आमंत्रित किए गए। बाद में प्राप्त सुझावों पर विचार करके संशोधित सूचियां प्रकाशित की गईं। राजभाषा आयोग की सिफारिश के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 1960 में जारी किए गए आदेश से हिंदी के काम में तेजी लाने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई और शब्दावली निर्माण का कार्य हिंदी प्रभाग के बजाय केंद्रीय हिंदी निदेशालय में होने लगा। निदेशालय ने तब तक प्रकाशित विभिन्न विषयों की शब्द सूचियों को समेकित करके 1,00,000 शब्दों का पारिभाषिक शब्द संग्रह सन 1962 में प्रकाशित किया। यह शब्द संग्रह शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त विविध विषयों के विशेषज्ञ समितियों द्वारा अपने अपने विषय में संदर्भ में स्थिर किए गए पर्यायों का वृहत संग्रह अवश्य था, पर इसमें संकलित शब्दावली में व्यापक समन्वय शेष रह गया था। फिर भी उस समय शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया जा रहा था, अतः इस शब्द संग्रह ने एक सामयिक आवश्यकता की पूर्ति की और सभी विद्वानों, हिंदी प्रेमियों और प्रशासनिक क्षेत्रों आदि ने इसका हार्दिक स्वागत किया। रिपोर्ट के उपयुक्त अंश को 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर हम इसकी प्रमुख बातों को इस प्रकार लिख सकते हैं। 1950 में शिक्षा मंत्रालय ने एक पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड बनाया। 1952 में शिक्षा मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। 1953 में 5 विषयों की अंतिम सूचियां प्रकाशित हुईं। 1959 तक सभी विषयों की उच्चतर माध्यमिक स्तर की और कुछ विषयों की स्नातक स्तर की शब्दावलियां बन गई। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर अप्रैल 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई और 1962 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा पारिभाषिक शब्द संग्रह का प्रकाशन किया गया। जिन मुख्य बातों पर हमने अभी चर्चा की, उसे हम सरल, सुबोध और स्पष्ट भावों में क्रमबद्ध रूप से लिखकर इस प्रकार इसका सार तैयार कर सकते हैं। हिंदी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं के लिए एक सी पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में विद्वानों का एक पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड बनाया। बोर्ड की देखरेख में 1952 से शिक्षा मंत्रालय के हिंदी अनुभाग ने शब्दावली बनाने का काम शुरू किया और 1953 में 5 विषयों की अंतिम शब्द सूचियां प्रकाशित की गईं। काम बढ़ जाने से हिंदी अनुभाग को प्रभाग बना दिया गया। इसने 1959 तक सभी विषयों की उच्चतर माध्यमिक स्तर की और कुछ विषयों के स्नातक स्तर की शब्दावलियां बना ली। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से अप्रैल 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय ने विभिन्न विषयों की शब्द सूचियों को समेकित करके 1962 में लगभग 1,00,000 शब्दों का एक पारिभाषिक शब्द संग्रह प्रकाशित किया। तो शिक्षार्थियों, सार लिखते समय जिन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है, उन पे चर्चा करते हैं। पहला है, आवश्यक होने पर मूल भाव के आधार पर सार संक्षेपण का शीर्षक लिखना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देना है, लिखित सार को एक बार पढ़ना और देखना कि कहीं उसमें कोई मुख्य बात आने से रह तो नहीं गई है।
एक अन्य बात का हमें और ध्यान रखना होगा कि आवश्यक होने पर सार का संपादन करना। संपादन करने का अर्थ है कि सार में कोई मुख्य बात आने से रह गई है तो उसे जोड़ना। यदि उसमें कोई दोहराव है, किसी तथ्य को दोहराया गया है, तो उसे हटाना और भाषा शैली को उपयुक्त और चुस्त बनाना। शिक्षार्थियों, हमारी मूल सामग्री आपके स्क्रीन पर है। हम पहले इस सामग्री को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसका सार हमें कैसे करना है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है, पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है। इससे हमें जो लाभ मिलते हैं वे अन्य किसी वस्तु से नहीं मिलते। इसमें समाज पर प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता होती है। वास्तव में यह एकमात्र सहज और सुलभ आधार है जिससे कोई भी व्यक्ति अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पुस्तक में एक ऐसी शक्ति है कि वह सारे देश की जनता में जागृति का मंत्र फूंक दे, संत्रस्त मानवता में अपूर्व साहस और बल का संचार कर दे। हमारे सामने कई उदाहरण हैं। रूसो की पुस्तक फ्रांस की राज्य क्रांति का कारण बनी। महात्मा गांधी की वाणी और पुस्तकों ने समस्त भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध डटकर खड़ा होने का संदेश दिया। लेनिन की पुस्तक क्रांतिकाल में रूस का मार्गदर्शक बनी। इस तरह हम देखते हैं कि वह पल भर में राज सिंहासन को पलट देती है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, पर उसने जो भी पुस्तक लिखी हो उसके कारण वह उसके नाम को अमर बना देती है। हम आज भी वाल्मीकि, तुलसी और सूर आदि का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। पुस्तक अकेलेपन का साथी भी है। यह अकेलेपन में फालतू बातों को भुलाई रखती है। हम इसकी दुनिया में खो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह मनोरंजन का भी श्रेष्ठ साधन है। इस मूल सामग्री के कुल शब्द 205 हैं। शिक्षार्थियों, आपने मूल सामग्री को सुना। इसमें आपने देखा कि मूल भाव को स्पष्ट करने वाले उदाहरण भी हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि इन उदाहरणों की सार लेखन में कोई महत्ता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और इन सब जो भी नाम दिए गए हैं विभिन्न लेखकों के, उनके नामों को छोड़कर हम इस भाव को, इस अनुच्छेद के भाव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करेंगे। आपने शिक्षार्थियों देखा कि सामग्री में हम सर्वनाम का बहुत बार प्रयोग हुआ। इसे सार लेखन में शामिल नहीं किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसे अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में बदला जाएगा। और जो शेष अंश है उसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे और उसके बाद इसका शीर्षक देंगे। तो शिक्षार्थियों, इन बातों का ध्यान रखकर मूल सामग्री के मुख्य बिंदु हमारे इस प्रकार हो सकते हैं, मानव समाज में पुस्तक की उपयोगिता, पराधीन व्यक्ति के लिए यह शक्ति, साहस और प्रेरणा का स्रोत, समाज परिवर्तन और राज्य क्रांति लाने के गुणों से परिपूर्ण लेखक को अमर और श्रद्धा पात्र बनाना, अकेलेपन का साथी और मनोरंजन का साधन होना। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम मूल सामग्री का सार इस प्रकार लिख सकते हैं, मानव समाज में पुस्तक से सर्वाधिक लाभ है। यह ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह पराधीन व्यक्ति के लिए अपार शक्ति, साहस और प्रेरणा का स्रोत है। इसके भीतर समाज में परिवर्तन और देश में राज्य क्रांति लाने का अलौकिक गुण भी है। पुस्तक लेखक को अमरत्व प्रदान करती है और समाज में उसे श्रद्धा का पात्र भी बनाती है। यह एकांत में मित्र होने के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी है। इस सार के कुल शब्द जो हैं वे हैं 72 और इसको हमने शीर्षक दिया है, पुस्तक की महत्ता। शिक्षार्थियों, हमने बात की कि हम विभिन्न प्रकार की सामग्री का सार किस प्रकार से लिख सकते हैं और सार लेखन और इससे संबंधित विभिन्न पक्षों पर हमने चर्चा की। तो इस कार्यक्रम के अंत में हम संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने क्या सीखा।
तो आज हमने सीखा कि सार लेखन में कार्यालयी कार्यों को निपटाने में सुगमता होती है और साथ ही समय और शक्ति की भी बचत होती है। सार लेखन से कार्यालय की लेखन सामग्री के खर्च में भी किफ़ायत होती है। सहायकों के बीच कार्य के हस्तांतरण में भी सार लेखन से मदद मिलती है। सार लेखन से उच्च अधिकारियों का समय बचता है और वे अधिक काम निपटा लेते हैं। रिपोर्ट आकार में प्राय बड़ी होती है, इसलिए रिपोर्ट का सारांश देना आवश्यक होता है। रिपोर्ट का सार बनाते समय सार के अन्य गुणों के साथ साथ संक्षिप्तता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट की मुख्य बातों के प्रति सजग रहना चाहिए। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक बातें सार में न आएं और सभी मुख्य बातों का इसमें समावेश भी हो। रिपोर्ट के सार की सहायता से रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखना सरल होता है। आज हमने सीखा कि मूल सामग्री में से विस्तार देने वाली बातों जैसे उदाहरण, उद्धरण, अलंकार आदि को हटाकर मूल सामग्री का सार लिखा जा सकता है। कार्यालय कामकाज को जल्दी और ठीक ढंग से निपटाने के लिए पत्रों तथा टिप्पणियों का सार बनाया जाता है। सार की सहायता से एक अधिकारी कई सहायकों का काम सीमित समय में देख लेता है। संक्षेपण या सार लेखन के लिए मूल सामग्री के मूल भाव को समझना आवश्यक होता है। सार संक्षेपण की उपयोगिता इस बात पर निर्भर होती है कि वह कितनी सावधानी से बनाया गया है। अतः कार्यालयी सार बनाने में पर्याप्त सावधानियां अपेक्षित होती हैं। मूल पत्र या टिप्पणी को गहराई से पढ़ने के बाद ही सार तैयार किया जाना चाहिए। सार बनाते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल पत्र की कोई बात संक्षिप्तता के फेर में छूट न जाए। सार मूल सामग्री का लगभग एक तिहाई होता है। अच्छा सार वही होता है जिसमें पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, संबद्धता, प्रभावोत्पादकता के गुण विद्यमान हों। अतः कार्यालयी पत्रों का सार बनाते समय हमें इस बात के प्रति सजग रहना चाहिए कि हमारा सार पूर्ण, संक्षिप्त, स्पष्ट, क्रमबद्ध और प्रभावपूर्ण हो। तो शिक्षार्थियों, इस कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कि हम कार्यालयी कामकाज में सार की मदद से किस प्रकार अपने कार्य को और सुगमता और सुविधा से कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ इस कार्यक्रम से आपको सार लिखने में सहायता मिलेगी। नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 67वां गणतंत्र दिवस NIOS के लिए विशेष आयोजन का साक्षी रहा। यह आयोजन था एक सामाजिक सद्भावना के संकेत के रूप में। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी ने दिव्यांगों को आमंत्रित किया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 के परेड में सम्मिलित होने के लिए और इसके अवलोकन के लिए। मेरा NIOS से विशेष निवेदन है, 26 जनवरी को NIOS के सौजन्य से ये स्पेशल विद्यार्थी विशेष रूप से दिल्ली आए और गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हों, उस परेड को स्वयं देखें।
दिल्ली आएंगे? आना होगा ना सबको? दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए दिल्ली में अशोक रोड स्थित YWCA में ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया। NIOS द्वारा इन दिव्यांग शिक्षार्थियों को राजघाट दिल्ली, NIOS मुख्यालय और आगरा भ्रमण के विशेष प्रबंध भी किए गए। NIOS द्वारा इन दिव्यांगों के लिए राजपथ के 20 नंबर अहाते में परेड देखने के विशेष प्रबंध भी किए गए। समस्याओं का इलाज शायद सिर्फ हमारे पास NIOS NIOS। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। दूर दराज क्षेत्रों से आए इन दिव्यांग शिक्षार्थियों के चेहरों की रौनक और आंखों की चमक से खुशी और सौहार्द साफ सी झलकती दिख रही है। NIOS के थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग आगरा और दिल्ली की सैर कर सकें। इस एक्सपीरियंस से हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं, और हमारी पूरी टीम मेंबर, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी को ये मौका बहुत अच्छा लगा है और वो लोग सब खुश हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने किसी ने सुना कि आप मोदी जी से पास से बहुत पास से मिले क्या? पहली बार मोदी ऐसे कर रहे थे? कितने पास थे? दूर थे? पास थे? ऐसे आपको बोला? आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा क्या? ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने जहाँ गई है वो इंडोनेशिया गई है, जापान से खेल के आई है और इंडिया में कई एक जगह पे खेली है, तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस ये साइन लैंग्वेज के द्वारा बताई है कि हम हर जगह पे जा रहे हैं और खेल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ आने के बाद लगता है कुछ और अलग ज़िंदगी मिल गया। हमारे पेरेंट्स भी नहीं सोच सकते थे कि हमको ऐसा कुछ मिलने वाला है यहाँ, इसलिए मैं NIOS की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमें और ऊँचा तक ले जाएँ और जहाँ तक हमसे होगा मेहनत करना, हम मेहनत करने में से पीछे नहीं हटेंगे। मैं हमें दिल्ली आने में बहुत अच्छा लगा। बाहो लालात थतुल मोला ते ते नानी कनो अलक आई टुक टुक ते। वी सॉ द रिपब्लिक डे परेड एंड द फाइटर प्लेन्स एंड असम एंड ऑल द झाकियाज एंड इट वाज सुपर्ब, इट वाज ब्रिलियंट।
Yeah, even, yeah, Prime Minister, we met, we saw him, we shook hands with him. Now the third day, NIOS chairman office we have visited and we've met the chairman. And how do you feel? It was all good, right? Yeah, all of them are very thankful to NIOS for all the support that they do. Thank you. NIOS के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो यहाँ आए और इसकी शोभा बढ़ाए. कई बच्चों ने ये कहा कि उनके लिए ये सौभाग्य का अवसर था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि NIOS के लिए ये सौभाग्य का अवसर था कि ये बच्चे समय निकाल पाए, इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आए और इतने प्रसन्न हैं कि अपनी संस्था में वो आए हैं. NIOS प्रतिबद्ध है समाज के दिव्यांगों के प्रति गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में. घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत. NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी. शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है. NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है. शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें. अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें. पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा. आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें. इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें. ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो. भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है. प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है. ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है. ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन.